गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू गौरव सर की क्लास। आज बैंकिंग का अगली सर्विस पढ़नी है विच इज नोन एज रेमिटेंसेस एंड फी बेस्ड सर्विसेज। दो सर्विस आज हम करेंगे। पहली हमारी रेमिटेंसेस के अंदर, रेमिटेंसेस का मतलब बताया था मैंने आप लोगों को कि रेमिटेंसेस का मतलब क्या होता है। हाउ फुल्ले भैया, लोहड़ी है, हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू दीदी। सो रेमिटेंसेस का मतलब लास्ट डिस्क्रिप्शन वाली क्लास में बताया था, विच इज नोन एज ट्रांसफरिंग ऑफ फंड्स। ट्रांसफर करना पैसे को, तो फंड ट्रांसफर कैसे करते हैं, तो तीन तरीके होते हैं पैसे ट्रांसफर करने के, फी बेस्ड, कार्ड बेस्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड, सॉरी पेपर बेस्ड, नॉट फी बेस्ड। पेपर बेस्ड में हमारा चेक और डिमांड ड्राफ्ट, चेक इशू करते हैं पेपर यूज होता है और डिमांड ड्राफ्ट के लिए भी पेपर यूज होता है, इट इज कॉल्ड पेपर बेस्ड। कार्ड बेस्ड डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड से हम ट्रांसफर करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड में जो हम ऑनलाइन NEFT और RTGS वगैरह करते हैं। दीज आर द थ्री वेज ऑफ ट्रांसफरिंग द फंड्स। पेपर बेस्ड में दो चीजें आती हैं, आपका बैंकर्स चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट। बैंकर्स चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट वो आती किसमें, पेपर बेस्ड में। कार्ड बेस्ड डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड में NEFT एंड RTGS। अब इनको डिटेल में हमें क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, कि सबसे पहला कि बैंक ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बैंक ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक में क्या डिफरेंस है। सिंपल, चेक आप बनाते हो, ड्राफ्ट बैंक बनाता है। दूसरा, चेक कैन बी बाउंस, आपके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है आप किसी को चेक काट के दे दो, बाउंस हो सकता है, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट तभी बनता है जब आपके अकाउंट में पैसे होते हैं, तो इट मींस इट कैन नॉट बी बाउंस। अगर फिर भी बाउंस हुआ तो इट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंक, नॉट योर्स। तीसरा डिफरेंस, बैंक चेक जो होता है वो लोकल एरिया के लिए यूज होता है, किसी को ट्रांसफर करना है, तो डिमांड ड्राफ्ट जो होता है वो मोस्टली अगर आप इंटर स्टेट में कोई ट्रांजेक्शन करते हो तब प्रेफर किया जाता है। फोर्थ डिफरेंस, बैंक का चेक जो है डिटेल में, अच्छा ये तो मैं आपको तीनों बता चुका हूं, दीज आर द मेन थ्री डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट। एक चीज में आती है कि डिमांड ड्राफ्ट कैन नेवर बी बाउंस, एंड इफ इट बाउंस हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, बैंक विल बी रिस्पॉन्सिबल। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ बैंक ड्राफ्ट। डिफरेंस हमने समझ लिया, बैंक ड्राफ्ट और इसमें आपके चेक में क्या डिफरेंस है वो हमने समझ लिया। अब एडवांटेज क्या है डिमांड ड्राफ्ट के, तो डिमांड ड्राफ्ट के एडवांटेज आते हैं हमारे, बाउंस नहीं हो सकता, कंफर्म पेमेंट है, एश्योरिटी मिल जाती है थर्ड पार्टी को जिसको भी आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट। और दो तीन पॉइंट और भी हैं बुक में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में दे रखे हैं, जस्ट गो थ्रू इट, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। देन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, कार्ड बेस के अंदर, इसमें डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड को हम एक अलग से जो टॉपिक है एंसिलरी सर्विसेज के अंदर वहीं समझाऊंगा। जंपिंग टू इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड मतलब ऑनलाइन जो हम करते हैं, इसमें अब तो आपका IMPS भी आ गया मोबाइलों के थ्रू, लेकिन जो हमारे अभी सिलेबस में जो डिटेल एक्सप्लेन कर रखा है, इट इज ओनली टू टॉपिक्स इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड में, NEFT एंड RTGS। फुल फॉर्म क्या है, नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और RTGS इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। दोनों में क्या फर्क है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मतलब उसी समय जो ही आपने करा RTGS, अच्छा वो आप खुद नहीं कर सकते हो, बैंक जाना पड़ेगा, फॉर्म फिल होगा, जो ही उसने देखा क्लिक करते ही बैंकर के थ्रू उसी समय विद इन अ फ्यू सेकंड्स आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, इसीलिए उसको बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और NEFT बैचेस में जाती है, स्लॉट्स बनते हैं उसके, एक टाइम आर होता है कि हर 3 घंटे बाद एक NEFT जाएगा, तो उसमें बहुत सारे जाते हैं इकट्ठे होके, तो वो विद इन 24 आवर्स होता है। अब इट कुड बी, हो सकता है आपका स्लॉट आधे घंटे बाद का ही हो, आधे घंटे में हो जाए या 1 घंटे में, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है। तो दोनों में एक और फर्क ये है,
कि आरटीजीएस एक बार हो गया वो फिर आप कैंसिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि पैसा हो गया ट्रांसफर। एनईएफटी कैंसिल करवाई जा सकती है अगर ट्रांसफर नहीं हुआ तो, क्योंकि 24 घंटे के अंदर होना है। तो ये दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि आ सकता है एग्जाम में, तो आपको एनईएफटी और आरटीजीएस के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं, दोनों के अंदर इनकी प्रोसेस होती है आरटीजीएस और एनईएफटी की, ये होता कैसे है। तो पहले हम लोग आरटीजीएस की प्रोसेस पढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ आरटीजीएस, तो बहुत सिंपल, आप कस्टमर हैं, आप बैंक में जाते हैं, यू फिल अप द फॉर्म दैट आई वांट टू डू आरटीजीएस। उस फॉर्म के अंदर आप किसको करना है, कितना अमाउंट करना है, वो सारी डिटेल आप उस फॉर्म के अंदर फिल करते हैं फॉर इनिशिएटिंग द आरटीजीएस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। नंबर टू, अमाउंट एंड चार्जेस आर पेड, जो आपको अमाउंट जो भरना है वो आपको भरना, फॉर्म भर दिया, किसको कितना पैसा करना है ट्रांसफर, फिर वो अमाउंट आप और उसके जो चार्जेस होते हैं आरटीजीएस के वो आप पे करते हैं। नंबर थ्री, डाटा एंट्री इज ऑथोराइजेशन इन सीबीएस सिस्टम, जो बैंकर होगा वो आपकी डाटा एंट्री करेगा सीबीएस सिस्टम के। अभी सीबीएस सिस्टम क्या है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ये एक ऐसा नेटवर्क है जो सारे बैंकों को ऑनलाइन पूरा का पूरा जोड़ देता है। तो आरटीजीएस जो फॉर्म होगा वो डाटा एंट्री करेगा और ऑथोराइजेशन लेगा सीबीएस सिस्टम से, ऑथोराइज परमिशन लिया और सब चीजें डाली। देन नंबर फोर, डाटा ट्रांसमिटेड टू इंट्रा डे लिक्विडिटी मैनेजमेंट, जो उसने डाटा डाला वो सारा डाटा ट्रांसफर हुआ इंट्रा डे लिक्विडिटी, जो पूरे लिक्विडिटी यानी कैश का जो मैनेजमेंट करता है उसके पास वो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी कि भैया एक्स पर्सन वाई को आरटीजीएस करना चाहता है। डाटा फ्लोस थ्रू आरबीआई आईएफटीपी एंड आरटीजीएस सर्विस, फिर वहां से इंट्रा डे लिक्विडिटी मैनेजमेंट जो है वो फ्लो करेगा आरटीजीएस सर्वर के पास कि भैया आरबीआई चेक करके, जो आरबीआई ने बना रखा है उसके थ्रू वो पैसा ट्रांसफर होगा सर्वर से, और सर्वर फाइनली रिसिपिएंट बैंक गेट कंफर्मेशन एंड क्रेडिट कस्टमर अकाउंट, जिस बैंक का वो आपका दूसरे कस्टमर जिसको वाई का अकाउंट है उसको, उसके बैंक को एक कंफर्मेशन आ जाएगा और आपके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। सो दीज आर द सिक्स स्टेप्स ऑफ डूइंग आरटीजीएस, ये आपकी बुक में पिक्चर के अंदर दे रखा है, तो आप इन हेडिंग्स को लिख के एक्सप्लेन करोगे, खाली ये 6 पॉइंट लिख के आ जाओगे, यू वॉन्ट बी गेटिंग, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, सॉरी 5 मार्क्स का। तो 5 मार्क्स के अंदर आपको उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करना होगा, सिर्फ हेड पॉइंट लिख के नहीं मार्क्स मिलेंगे 5, तो यू हैव टू एक्सप्लेन। डन, नाउ जंपिंग टू नेक्स्ट, एनईएफटी प्रोसेस। एनईएफटी नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसकी भी प्रोसेस होती है, इसके भी आपके 5 स्टेप हैं, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो एनईएफटी कैसे था? सेम जिस तरह उसमें हमने फॉर्म भरा, इसमें भी हम फॉर्म भरेंगे, फिलिंग अप द फॉर्म। फॉर्म भरा कि आप किस बंदे को ट्रांसफर करना चाहते हो, कितना अमाउंट करना चाहते हो, तो ये आप फॉर्म फिल करेंगे। नंबर टू, ऑरिजिनेटिंग बैंक प्रिपेयर मैसेज एंड सेंड टू द पूलिंग सेंटर, जब आपने फॉर्म भरा तो जो ऑरिजिनेटिंग बैंक यानी कि आपका बैंक जिसके पास आप फॉर्म भर रहे हो वो एक मैसेज प्रिपेयर करेगा और वो पूलिंग सेंटर को यानी कि जो पूरा इस सबको देखता है उसको भेजेगा। पूलिंग सेंटर फॉरवर्ड द मैसेज टू एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर, पूलिंग सेंटर जो पूलिंग सेंटर का मैसेज आया कि भैया दिस पर्सन वॉन्ट टू ट्रांसफर दिस अमाउंट टू एक्स, तो वो पूलिंग सेंटर जो है फिर वो फॉरवर्ड कर देगा एनईएफटी सेंटर को कि भैया ये पैसा ट्रांसफर कर दो। तो एनईएफटी सेंटर फिर क्या करेगा? सॉर्ट द फंड एंड ट्रांसफर, फिर एनईएफटी सेंटर जो होगा वो आपके फंड को सॉर्ट करेगा, क्योंकि आपकी तरह पता नहीं कितने सारे बैंकों ने कितने लोगों को ट्रांसफर करना होगा फंड, तो वो सब चीजें सॉर्ट करी जाती हैं और फिर फाइनली इट सेंड्स द मैसेज टू द डेस्टिनेशन बैंक, यानी कि जिसको मिलना है पैसा, डेस्टिनेशन बैंक रिसीव फंड्स, फाइनली डेस्टिनेशन बैंक को उस फंड्स को रिसीव हो जाता है और उस कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट, आपकी बुक में पिक्चर दी हुई है उससे पूरा क्लियर हो जाएगा, बट स्टेप इस तरह से है। तो इट विल हेल्प यू आउट टू लर्न एंड रिटेन इन योर माइंड। फॉर्म फिल किया
आपका जो ऑपरेटिंग सेंटर था उसने एक मैसेज प्रिपेयर किया और एनईएफटी सेंटर को भेजा, एनईएफटी सेंटर ने मैसेज प्रिपेयर करके फॉरवर्ड कर दिया पूलिंग सेंटर को, पूलिंग सेंटर ने फंड्स को सॉर्ट किया और फाइनली डेस्टिनेशन बैंक रिसीव द मनी, उसको पैसा मिल गया। सो दीज आर द स्टेप्स इन द एनईएफटी प्रोसेस। अब इन दोनों प्रोसेस को तो समझ लिया, पांच स्टेप है ब्रीफ में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगेन इसकी भी एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ेगी, पांच नंबर का क्वेश्चन। अब इन दोनों चीज प्रोसेस के अंदर एक चीज कॉमन है विच इज आईएफएससी कोड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसके बिना आप किसी भी बैंक में पैसा ट्रांसफर कर ही नहीं सकते ऑनलाइन, इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। आई व्हाट इज आईएफएससी, तो आईएफएससी ये आपका एक कोड होता है जो बैंक सेट करता है, इट इज अल्फा न्यूमेरिकल कोड। अल्फा न्यूमेरिकल कोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अल्फा अल्फाबेट्स होते हैं और न्यूमेरिकल कोड भी होता है। फर्स्ट फोर डिजिट्स आर अल्फाबेटिकल विच विल रिप्रेजेंट द बैंक, पहले चार जो हैं वो अल्फाबेटिकल होते हैं जो बैंक को रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका कोटक महिंद्रा में बैंक है अकाउंट है और आपने वो करना है, या एचडीएफसी में है आपका अकाउंट है, आपने किसी को ट्रांसफर करना है जिसको, तो आप क्या डालोगे उसका जो कोड होगा, इट विल बी एचडीएफसी, फिफ्थ नंबर इज ऑलवेज जीरो, इट इज अ 11 डिजिट कोड। फोर फर्स्ट फोर डिजिट क्या होते हैं, अल्फाबेटिकल होते हैं, फिफ्थ जो होता है वो जीरो होता है, एंड द रिमेनिंग सिक्स डिजिट्स आर न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं विच विल रिप्रेजेंट द बैंक ब्रांच। पहली चार डिजिट जो होती है वो अल्फाबेटिकल होती है जो बैंक को रिप्रेजेंट करती है, फिफ्थ डिजिट जो होती है वो जीरो होती है, और बाकी की सिक्स जो होती है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं जो रिप्रेजेंट करती है बैंक ब्रांच को। तो आईएफएससी कोड डालना बहुत जरूरी होता है, इट इज अ 11 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल कोड विच विल रिप्रेजेंट द बैंक एंड बैंक ब्रांच। देन आते हैं एडवांटेजेस और रिस्क इन इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में। हमारे एडवांटेजेस 24/7, नो नीड टू विजिट टू अ बैंक, और इट सेव्स द कॉस्ट, बैंकों की बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ती है। एफिशिएंट सर्विसेज, कस्टमर को सर्विसेज मिलती है, एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग हो जाता है, कभी भी कहीं से भी बैंकिंग कर सकते हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस। रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और पक्का क्वेश्चन आता है इसमें, जो रिस्क है इंटरनेट बैंकिंग के अंदर, दीज आर टर्म्ड एज फिशिंग, स्किमिंग एंड स्पूफिंग। फिशिंग, स्किमिंग एंड स्पूफिंग, ये तीन लिमिटेशन है इंटरनेट बैंकिंग के अंदर, फिशिंग, स्किमिंग एंड स्पूफिंग। फिशिंग में यू गेट अ फेक ईमेल, जिसमें कि आप कभी भी कोई भी डिटेल आपने उसको एक्सेप्ट करके फिल कर दिया तो वहीं आपका अकाउंट पूरा का पूरा हैक हो जाता है, फेक ईमेल आपके पास आती है। स्किमिंग, जो हम कार्ड स्किमर होता है आपका, जहां पे कार्ड स्किम करते हैं, स्किमर जो कार्ड स्वाइप करते हो, वो आपके उस डिवाइस के अंदर ऐसे चिप्स लगा देते हैं जो आपकी कार्ड की डिटेल्स को रीड कर लेते हैं और वहीं से आपका अकाउंट को हैक कर लेते हैं। एंड स्पूफिंग, स्पूफिंग में एक फेक एक एटीएम्स तैयार किए जाते हैं जिसमें आपके पास ऐसी डिटेल्स मैसेज विंडो शो करती है जहां पे आपने डिटेल जो ही डाली वो आपके कार्ड को भी रीड कर लेगा, आपका पासवर्ड भी रीड कर लेगा एंड विल हैक योर अकाउंट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तीन रिस्क है ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर, फिशिंग, स्किमिंग एंड स्पूफिंग, तो इसको ध्यान से पढ़ना, पक्का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। अगला टॉपिक जो हमारा था फी बेस्ड सर्विसेज, एंसिलरी सर्विसेज के अंदर फी बेस्ड सर्विस, विच इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन फंड बेस्ड इनकम फॉर द बैंक। बैंक इसमें एक रुपया भी नहीं देता लेकिन फिर भी पैसा कमाता है, तो ये नॉन फंड बेस्ड इनकम के नाम से भी जानी जाती है। तो फी बेस्ड सर्विसेज के अंदर दो सर्विसेज हैं जो हम पढ़ेंगे, नंबर वन इज लेटर ऑफ क्रेडिट एंड नंबर टू इज बैंक गारंटी। लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी, ये दो टॉपिक आते हैं फी बेस्ड सर्विसेज के अंदर। लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है और ये बैंक इशू कब करता है, क्यों करता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक इशू करता है तब जब आपने कुछ फॉरेन से इंपोर्ट करना हो। क्यों चाहिए होता है ये, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। आप इंडिया में बैठे हो,
और आपकी एक पार्टी है जो अमेरिका में है, आपने अमेरिका से सामान मंगाना है, उसने बोला कि भैया मेरे को सामान भेज दो, उसने कहा नहीं भैया आपने सामान ले लिया पैसे ना दिए, तो वो आपको बोलेगा कि ठीक है आप पहले पैसे भेज दो। अब आप भी कहोगे भैया मैंने पहले पैसे भेज दिए और तूने मेरे को सामान नहीं दिया, तो दोनों की दुविधा। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज आती है विच इज कॉल्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि बैंक, आपका बैंक उस अमेरिकन कंपनी के जो एक्सपोर्टर है उसके बैंक को जानता है, वो उसको लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करेगा और उस लेटर ऑफ क्रेडिट के बेस पे जो एक्सपोर्टर होगा अमेरिकन कंपनी आपको वो डॉक्यूमेंट भेज देगी। तो मेन प्रोसेस तो अभी इसको समझाता हूं, लेकिन मेन पर्पस मेरा ये था आपको ये पहले बताना कि लेटर ऑफ क्रेडिट कब चाहिए होता है और क्यों चाहिए होता है। तो कब चाहिए? जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गए। और क्यों चाहिए? ताकि एक कंफर्मेशन हो जाए कि भैया पेमेंट आ जाएगी और माल भी रिसीव हो जाएगा। तो बेसिकली ये है इसका। नाउ लेट अस जंप टू द प्रोसेस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। मैंने पॉइंट्स में ना लिख के एक डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करी जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए और इजी हो जाए। सो लेट अस सी। सो द प्रोसेस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट ये आप देख सकते हो, दिस इज द एप्लीकेंट यानी कि बायर। अगर आप इंडियन कंपनी अगर हो, मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया था, अगर आप इंडिया में हो, आप बायर हो, आपको बाहर से सामान चाहिए, आपने सेलर से बोला भाई मेरे को सामान भेज दे 1 करोड़ का। इसने कहा भाई पहले पैसे दो। आपने कहा भाई पहले ऐसे कैसे दूं? फिर यहां से शुरू हुई हमारी लेटर ऑफ क्रेडिट की प्रोसेस। एप्लीकेंट यानी कि बायर विल गो टू द बैंक और एप्लीकेशन ऑफ एलसी, अपने बैंक को उसने एलसी की एप्लीकेशन दी नंबर 1। अब जो एप्लीकेशन दी इसने, अब ये भी ऐसा नहीं है कोई भी बैंक किसी को भी एलसी इशू कर देगा, वो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगा कि भैया पैसा डूबेगा तो नहीं, कोई पार्टी अच्छी है नहीं है। वहां से उसको जो ये कंफर्म हुआ वो एलसी इशू करके एक्सपोर्टर के बैंक को भेज देगा विच इज कॉल्ड एडवाइजरी बैंक। नंबर 2, एलसी फॉरवर्ड हो गया। और जो ही एलसी फॉरवर्ड हुआ तो जो इसका बैंक था एक्सपोर्टर का, उसने उसको एडवाइज ऑफ एलसी, इसने इसको बताया कि दैट आई हैव रिसीव द एलसी, मेरे को रिसीव हो गई एलसी, आप माल भेज सकते हो। तो जो ही इसको ये एडवाइजरी मिल गई, नंबर 4, गुड्स डिस्पैच कर दिए, यहां पर गुड्स पहुंचा दिए, लेकिन अभी इसको मिले नहीं क्योंकि ये पोर्ट पे गए। जो ही गुड्स भेजे यहां पे जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करे इसने बिल के, वो डॉक्यूमेंट नंबर 5, डॉक्यूमेंट भेजे अपने एडवाइजिंग बैंक को। जो ही यहां डॉक्यूमेंट पहुंचे, यहां इन्फॉर्म किया पहले पैसे आए यानी कि इशुइंग बैंक ने पैसा भेज दिया यहां से डायरेक्ट, इसके थ्रू कस्टमर सेलर को पैसा मिल गया। नंबर 7, देन आफ्टर रिसीविंग द मनी फ्रॉम द इशुइंग बैंक, एडवाइजरी बैंक विल रिलीज द फंड्स। ये डॉक्यूमेंट सारे इधर चले गए, डॉक्यूमेंट यहां पे नंबर 7 पे, ये डॉक्यूमेंट अब इसके पास पड़े हुए। अब जब कस्टमर पैसा देगा बैंक को तभी ये डॉक्यूमेंट मिलेंगे इसे। तो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि बायर ने पेमेंट नहीं करी, पेमेंट सारी एडवाइजरी इशुइंग बैंक ने करी है। जब इसको सब मिल गया, जब इसने इसको लास्ट में पैसा दिया, फिर इसने डॉक्यूमेंट दिया, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के वो पोर्ट से जाके सामान नहीं ले सकता। तो पोर्ट से सामान तभी मिलेगा जब डॉक्यूमेंट होंगे, और डॉक्यूमेंट किसके पास है? इसके पास। तो ये पैसा ट्रांसफर किया, दे दिया। अब यहां पे मेरे पास बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर इसने बाद में बोला कि मुझे चाहिए ही नहीं, तो बैंक पागल नहीं होता, वो ऐसे ही किसी को लेटर ऑफ क्रेडिट, मैंने क्या बोला था, जो ही एप्लीकेशन आते पहले वो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करता है और अपने पास कुछ सिक्योरिटी रखवाता है उससे, और उसके बावजूद भी अगर वो नहीं उठाता तो एक तो वो चीज भी गई, दूसरा जो पोर्ट पे सामान आया हुआ है बैंक उसको भी बेच के पैसा कमा लेता है, तो बैंक को कहीं से भी लॉस नहीं होता लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करने में। बस बैंक आपसे जो है फीस लेता है और आपको एक ये सर्विस देता है, तभी इसको बोलते हैं नॉन फंड बेस्ड इनकम। ठीक है, तो ये हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट का प्रोसेस हो गया। देन एक टॉपिक यहां पे मैंने अलग से हाईलाइट कर रखा है कि इसके अंदर हमारी आती है पार्टीज इन्वॉल्व। तो पार्टीज भी अलग से नहीं रटना हमें यार, सारे यही पार्टीज हैं, बायर यानी कि इंपोर्टर। अच्छा, ये अलग अलग नाम से लिख सकते हैं, बायर, इंपोर्टर, देन इशुइंग बैंक, देन एडवाइजिंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक, इस नाम से भी इसको बुक में लिखा हुआ है अलग अलग, बट यही 4 पार्टीज मेन जो है आपकी, एप्लीकेंट यानी कि बायर, इशुइंग बैंक,
एडवाइजिंग बैंक एंड बेनिफिशियरी ऑब्लिक सेलर, जो सामान बेच रहा है और सेलर जो है, ये पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लेटर ऑफ क्रेडिट। कोई दिक्कत होगी तो यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट सेक्शन में, आप बता पूछ सकते हो कि इसमें सर प्रॉब्लम है। नाउ एक फी बेस्ड सर्विस थी हमारी लेटर ऑफ क्रेडिट, दूसरी फी बेस्ड सर्विस हमारी बैंक गारंटी। लेटर ऑफ क्रेडिट तो समझ आ गया, अब बैंक गारंटी क्या है? नाम से इसको समझने के बाद सर ये तो सेम सी लग रही है, दोनों में फर्क है। गारंटी जरूरी नहीं है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, गारंटी बहुत सारी चीजों के लिए होती है। और एक और मेन डिफरेंस, इस पे ये क्वेश्चन आता भी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी। तो इसमें मेन डिफरेंस ये है, लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक गारंटी में, इन लेटर ऑफ क्रेडिट पेमेंट इज मेड बाय द बैंक ओनली, बैंक ही पेमेंट करता है। और बैंक गारंटी में बैंक पेमेंट नहीं करता अंटिल एंड अनलेस द बेनिफिशियरी और दैट कस्टमर फेल टू मेक द पेमेंट और फेल टू फुलफिल हिज कमिटमेंट। अगर वो फेल हुआ तभी बैंक देगा, नहीं तो नहीं देगा। और यहां पे बाय हु कैन प्रूव, बैंक ही देगा। तो ये इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है। और एक पॉइंट दे रखे है और बुक में, तो आप उसको गो थ्रू करना, सो दैट यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन बैंक गारंटी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। नाउ स्टार्टिंग विद बैंक गारंटी, सबसे पहले आता हूं फीचर्स ऑफ बैंक गारंटी। बैंक गारंटी के फीचर्स की, बैंक गारंटी होती क्या है? इट इज इश्यूड बाय द बैंक फॉर द इंप्रूविंग द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ अ कस्टमर। बैंक गारंटी आपकी क्रेडिट वर्थिनेस को भी ऐड करती है। बैंक गारंटी जब हमें कोई परफॉर्म करना है, कोई एक बैंक की नॉन फंड बेस्ड इनकम है ये, अगेन बैंक के लिए, बैंक गारंटी में भी बैंक पैसा नहीं दे रहा आपसे, सिर्फ पैसा लेके आपको एक सर्विस दे रहा है, एक पेपर डॉक्यूमेंट बना के दे रहा है जिसके बेस पे आपको फैसिलिटीज मिलती है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक गारंटी कि भैया इस बैंक जब आपको अपने बिहाफ पे गारंटी ले रहा है पार्टीज को कंफर्म करने के लिए, तो इसके फायदे क्या है? तो इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक गारंटी के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है एड्स टू क्रेडिट वर्थिनेस। बैंक अगर आपके बिहाफ पे गारंटी दे दे तो आपकी क्रेडिट वर्थिनेस कितनी बढ़ जाएगी? भाई उसका पैसा कहीं नहीं जाता, क्यों? बैंक ने गारंटी ली है। नंबर टू, असेसमेंट ऑफ योर बिजनेस। आपका बैंक छोटे मोटे बिजनेस की गारंटी नहीं लेगा, अगर बैंक ने आपकी गारंटी ली है इट मींस आपका बिजनेस कहीं ना कहीं कुछ तो है, तो आपकी असेसमेंट हो सकती है। कॉन्फिडेंस ऑफ परफॉर्मेंस, और सामने वाले को फिर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार बैंक इसकी गारंटी ले रहा है, और आपके खुद का भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि बैंक ने गारंटी ली है तो मेरे को कहीं पर भी किसी चीज की दिक्कत नहीं आएगी। देन रिस्क रिडक्शन, सामने वाली पार्टी का रिस्क खत्म हो जाता है कि भैया पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, क्यों? बैंक ने गारंटी ले ली है। दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक गारंटी। नाउ प्रोसेस ऑफ बैंक गारंटी बहुत सिमिलर सी है, ज्यादा स्टेप नहीं है इसके अंदर। सिंपली आप बैंक जाओगे, आप एप्लीकेशन फिल करोगे, बैंक आपकी क्रेडिट वर्थिनेस चेक करेगा, फाइनेंशियल असेसमेंट करेगा कि आप कैसे हो, फिर उसके बाद बैंक आपको गारंटी पेपर इशू कर देगा, और आप जिसको भी गारंटी देना है बैंक फॉरवर्ड कर देगा उसको, उसमें लिखा होता है टू हूम इट मे कंसर्न हेडिंग डाल के, जिसको भी चाहिए उसको कंसर्न में आई एम हेयर टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस पर्सन, और वो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, और वहीं पे बैंक गारंटी का प्रोसेस जो है खत्म हो जाता है। इसमें ज्यादा कुछ भी स्टेप नहीं है। इसमें जो एक और चीज इंपॉर्टेंस है, एक तो डिफरेंस, और इसमें टाइप्स ऑफ बैंक गारंटी के ऊपर क्वेश्चन आता है, छोटा सा, एक नंबर का भी आता था, तीन नंबर का भी आता, डिपेंडिंग कि वो एक क्वेश्चन एक टाइप पूछ रहे हैं या दो पूछ रहे हैं, तीन पूछ रहे हैं। तो टाइप ऑफ बैंक गारंटी में सबसे पहली है फाइनेंशियल बैंक गारंटी, फाइनेंशियल गारंटी। बैंक आपकी गारंटी लेता है फाइनेंस के मामले में कि भैया हाँ इसको पैसे चाहिए आप दे दो, आई विल रिफंड इफ ही फेल्स टू मेक द पेमेंट, तो वो भी फाइनेंशियल गारंटी। नंबर टू परफॉर्मेंस गारंटी। अभी परफॉर्मेंस गारंटी क्या होती है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, लाइक सपोज आप कोई गाड़ी बनाते हो, एक सॉरी मारुति की कंपनी है, उसकी गाड़ियां बन रही है, उसको टायर चाहिए, आपने टायर का काम शुरू किया, आप मारुति गए, आपने बोला जी मेरे से टायर ले लो, तो मारुति ने कहा भैया ऐसे कैसे ले लूं, कल को आपने अगर कोई भी चार पांच टायर कम कर दिए मेरी तो भैया 10 लाख की गाड़ी अटक जाएगी, उसका नुकसान कौन झेलेगा?
तो उसके लिए बैंक आपको परफॉर्मेंस गारंटी देता है, बैंक मारुति को परफॉर्मेंस गारंटी देगा, भाई तेरे को 1,000 टायर चाहिए महीने के, 1,000 टायर मिलेंगे, अगर फेल हुआ तो ये पैसे देगा जितनी गाड़ियां आपकी रुकेंगी। अब पहले तो मुझे बताओ कि एक गाड़ी में टायर कितने लगते हैं? 4? अरे नहीं, 5। 5 भाई, स्टपनी भी तो है, तो वो स्टपनी जो पड़ी है उसको मिला के टोटल 5 टायर्स आपको देने हैं। अब आपने अगर 10 टायर शॉर्ट कर दिए तो कितनी गाड़ियां रुक गई? 2। तो 2 गाड़ियां यानी कि 20 लाख, अगर 10 लाख का लेता हो तो 20 लाख का नुकसान आपको बैंक पे करेगा उस केस में। तो बैंक गारंटी लेता है परफॉर्मेंस की। नंबर 3, एडवांस पेमेंट गारंटी, कि भैया उसने पेमेंट कर दो, आपको काम मिल जाएगा, आपकी चीज आपको पहुंच जाएगी, दैट इज एडवांस पेमेंट गारंटी। लोन गारंटी, जो हम बैंक या इधर उधर से लोन लेते हैं, बैंक उसकी भी गारंटी देता है। बिड बॉन्ड गारंटी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। बिड बॉन्ड, बिडिंग, बिडिंग हमने सुना नाम, शायद पहली बार ध्यान दे रहे हैं इसके ऊपर, सुना बहुत कुछ है, जिसको हम बोलते हैं बोली लगाना, बिडिंग। अब किसी चीज की बोली चल रही है, किसी गाड़ी की, किसी घर की, कुछ किसी भी चीज की बोली हो सकती है। वहां पे सारे बैठे हुए हैं, 1 करोड़ तक बोली पहुंच गई, 2 करोड़ पहुंच गई, आप बैठे वहां बोले 5 करोड़। अरे भाई साहब, सब देख रहे हैं आपको, 5 करोड़ 1, 5 करोड़ 2, 5 करोड़ 3, ठप सोल्ड। आइए सर, पेमेंट चेक बना के लाइए। चेक? आई वॉज जोकिंग। तो ऐसे नहीं होता, कोई भी पहुंच के जाके बैठ जाएगा, बोली लगा देगा। तो बोली वाले रूम में, बिडिंग वाले रूम के अंदर भी आपको बैंक गारंटी देता है कि ये बंदा इतने तक की गारंटी लगा सकता है। तो वो बैंक गारंटी का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है फॉर डूइंग बिडिंग, सो दैट इज कॉल्ड बिड बॉन्ड गारंटी। देन फॉरेन बैंक गारंटी, बाहर से फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज वगैरह, उसकी भी गारंटी होती है। देन डेफर्ड पेमेंट गारंटी, अब आधे लोगों को तो यही नहीं पता होता डेफर्ड पेमेंट क्या होती है। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट देना। डेफर्ड पेमेंट, जो हम किस्तें बनवा लेते हैं, ईएमआई, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड पेमेंट गारंटी। तो बैंक उसकी भी, आपकी जो ईएमआई बनती है उसकी भी बैंक गारंटी देता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ गारंटी। तो आज हमने फी बेस्ड सर्विसेज के अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट, फी बेस्ड सर्विसेज या लेटर ऑफ क्रेडिट का प्रोसेस और उसके पार्टीज इन्वॉल्व एंड बैंक गारंटी को डिटेल में डिस्क्राइब किया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सेंड योर क्वेश्चन इन माई कमेंट बॉक्स एंड सी यू इन फॉर द नेक्स्ट टॉपिक्स दैट वी लेफ्ट विद। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें गौरव सर की क्लास को। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।